नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम तीखा खाने वालों के लिए उनकी मनपसंद अचार लाल मिर्च का अचार बनाएंगे। तो आइए देखें लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। लाल मिर्च सर्दियों के मौसम में ही आती है। 250 ग्राम लाल मिर्च ले लिए हमने। सरसों का तेल 2 टेबलस्पून, सिरका 2-3 टेबलस्पून, पीली सरसों का पाउडर 3 छोटी चम्मच, सौंफ पाउडर 3 छोटी चम्मच और दाना मेथी का पाउडर 3 छोटी चम्मच, नमक 2.5 छोटी चम्मच, हल्दी 1.5 छोटी चम्मच, अजवाइन 1/2 छोटी चम्मच और हींग 1/4 छोटी चम्मच से कम। तो अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम मिर्च को काट के तैयार करेंगे। तो मिर्च का डंठल हटा देंगे काट के और एक तरफ से इस तरीके से काटेंगे हुए कि वो दूसरी तरफ से मिर्ची जुड़ी रहे। इस तरह से हम मिर्च को काट के तैयार करेंगे। इसके अंदर के जो बीज हैं उनको भी थोड़ा सा खाली कर लेंगे, मसाले में मिक्स कर लेंगे उन्हें। और मिर्च को इस तरीके से खोखली करके रख लेंगे। ये मिर्ची हमने सारी काट के तैयार कर ली है और अब हम ये सारे मसाले एक साथ मिक्स करेंगे। ये हमने मेथी पाउडर डाल लिया, ये सौंफ पाउडर और जो मिर्ची के अंदर से बीज वगैरह निकाले थे वो भी हम ये मसाले में मिक्स कर लेंगे। सरसों का पाउडर, हींग, अजवाइन को थोड़ा क्रश कर लेते हैं तो और अच्छी महक हो जाएगी। हल्दी पाउडर, नमक, सारे मसालों को अच्छे से मिलाया पूरा मिक्स होने तक। और अभी मैं ये तेल मिला लिया। और अब सिरका डाल करके मिलाएंगे। तो मसाला थोड़ा गीला हो जाए बस उतना ही सिरका हम डाल लेंगे। मसाला तैयार हो गया है और अब हम ये मसाला मिर्च के अंदर भरेंगे। उंगली के सहारे से मिर्च को खोल लेंगे और चम्मच से मसाला जितना एक मिर्च के अंदर आ जाएगा हम पूरा भर देंगे। अच्छे से पूरा किनारे तक मसाला पहुंचा देंगे। और इस तरीके से मिर्ची को भर के रखते जाएंगे। ये मिर्च हमने भर के तैयार कर लिए है। हम मिर्च का अचार बना रहे हैं। थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। मिर्च को सबसे पहले अच्छे तरीके से पानी से धोएं, कपड़े से पोछें और 1 घंटे तक धूप में सुखा लें। मिर्च के अंदर बिल्कुल नमी नहीं रहनी चाहिए। मसालों को तैयार करते समय भी कोई भी बर्तन लें या चम्मच लें, किसी में भी कोई नमी नहीं रहना चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए मसाले के अंदर। मिर्च को भर करके जब हमें कंटेनर में भरना है
तो कंटेनर को भी पहले से हम तैयार करके रखें, उसे उबलते पानी से धोएं और थूप में अच्छे से सुखा लें। अचार में किसी तरीके से कोई नमी नहीं जानी चाहिए। अचार भर कर रख देते हैं और जब भी हम खाने के लिए अचार निकालें तब हम सूखे साफ चम्मच से ही अचार निकालें। अचार बहुत दिनों तक चलते हैं। लाल मिर्च का अचार बिना तेल के ही 2-3 महीने तक रखकर खाया जा सकता है। और अधिक रखकर के अचार अगर आप खाना चाहते हैं तो फिर अचार में आपको सरसों का तेल और डालना होगा, मिर्च को डुबा करके रखना होगा तेल में। आप लाल मिर्च का अचार बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।